नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गोवर्धन पूजा में। मैं आपके साथ हूँ श्वेता गर्ग। हर साल दीपावली के त्योहार का इंतजार आपको भी रहता होगा। 5 दिन चलने वाले दीपोत्सव का हर दिन एक नया पर्व होता है। धनतेरस के बाद नरक चौदस दीपावली और उसके अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। दीपों का पर्व यूं तो भगवान राम के घर की वापसी और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ मनाया जाता है, पर गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। साथ ही गाय के गोबर से गोवर्धन देव बनाकर उन्हें पूजने की परंपरा भी रही है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन ये पर्व आता है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन की पूजा के बारे में। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन यानी गायों की पूजा की जाती है। यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी कथा के बारे में। दीपावली के एक दिन बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पर्व का विशेष महत्व है। ये त्योहार हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 5 नवंबर को मनाया जा रहा है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार इस दिन भारी बारिश से ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इंद्र के घमंड को चूर किया था, इसीलिए आज के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन गाय की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि आज के दिन गाय और गोवर्धन की पूजा करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन की पौराणिक कथा। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी अच्छे पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने जब यशोदा माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तैयारियाँ देवराज इंद्र की पूजा के लिए हो रही है, क्योंकि वो वर्षा करते हैं। तभी अन्न की पैदावार होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि फिर इस लिहाज से तो सबको
गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और देवराज इन तो कभी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे अहंकारी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधर की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे और कहने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, जिसके बाद उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेष नाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। आखिर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और वो पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में पड़वा और बलि प्रतिपदा का त्योहार भी मनाया जाता है और इस राज्य के लोग इस त्योहार को भगवान विष्णु के अवतार वामन राजा की बाली पर हुई जीत की खुशी में मनाते हैं। वहीं इस दिन गुजराती नववर्ष की भी शुरुआत होती है। तो अभी तक हमने आपको बताया गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा के बारे में, पर हम सभी को ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर गोवर्धन कौन थे। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन और मथुरा में आकर कैसे पर्वत बन गए और क्यों। हर साल गोवर्धन पर्वत का आकार घटता रहता है। कौन थे गोवर्धन? मान्यता है कि गोवर्धन पूजा से दुखों का नाश होता है, दुश्मन अपने छल कपट में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये गोवर्धन पर्वत आज भी मथुरा के वृंदावन इलाके में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलस्त्य ऋषि मथुरा में श्री कृष्ण लीला से पहले ही गोवर्धन पर्वत को लाए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पुलस्त्य ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो सुंदरता और वैभव देखकर गदगद हो गए और उसे साथ ले जाने के लिए गोवर्धन के पिता द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, गोवर्धन को ले जाकर वहाँ पूजा करूँगा। पुलस्त्य ऋषि के निवेदन पर द्रोणांचल बेटे के लिए दुखी हुए, लेकिन गोवर्धन के मान जाने पर अनुमति दे दी। काशी जाने से पहले गोवर्धन ने पुलस्त्य से आग्रह किया कि वो बहुत विशाल और भारी है, ऐसे में उसे काशी कैसे ले जाएंगे। तो पुलस्त्य ऋषि ने
तेज बल के जरिए हथेली पर रख कर ले जाने की बात कही। गोवर्धन ने कहा कि वो एक बार हथेली में आने के बाद जहां भी रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। आग्रह मानकर पुलस ऋषि गोवर्धन को हथेली पर रख कर काशी चल पड़े। पुलस ऋषि मथुरा पहुँचे तो गोवर्धन ने सोचा कि श्री कृष्ण इसी धरती पर जन्म लेने वाले हैं और गाय चराने वाले हैं, ऐसे में वह उनके पास रहकर मोक्ष पालेगा। ये सोचकर गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिसे उठाने में पुलस ऋषि को आराम करने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने गोवर्धन पर्वत वहीं जमीन पर रख दिया और सो गए। पुलस ऋषि ने गोवर्धन को दिया श्राप। पुलस ऋषि जब जागे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को चलने को कहा, मगर जब गोवर्धन ने अपनी शर्त याद दिलाई तो पुलस ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर छल का आरोप लगाया। गुस्से में पुलस ने गोवर्धन को हर दिन मुट्ठी भर घटने का श्राप दे डाला। पुलस ऋषि ने कहा कि तुम्हारी ऊंचाई घटते घटते कलयुग में तुम पूरे के पूरे पृथ्वी में समा जाओगे। कहा जाता है कि पुलस ऋषि के श्राप के चलते गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो करीब अब 30 मीटर ही बची है। 6 घंटे में होती है परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर तक फैला है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। ये पर्वत यूपी और राजस्थान में विभाजित है। हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पूजा को कहा जाता है अन्नकूट। इस पूजा को करने के लिए अन्नकूट बनाकर यशोदा नंदन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है। जिसके चलते इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। अन्नकूट एक प्रकार का खाना होता है, जिसे कई तरह की सब्जियां, दूध और चावल का प्रयोग करके बनाया जाता है। भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य बनाया जाता है, जिसे 56 भोग कहते हैं। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दारिद्र का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसीलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए।
गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। ये दिवस ये संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर चीज पर निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी और पर्वत आदि। इसीलिए हमें उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु संतुलन का विशेष कारण पर्वतमालाएं एवं नदियां हैं। इस प्रकार ये दिन इन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है। इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा का महत्व होता है। उनके दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, यहाँ तक कि गोबर एवं मूत्र से भी मानव जाति का कल्याण हुआ है। ऐसे में गाय, जो हिंदू धर्म में गंगा नदी के तुल्य मानी जाती है, इस दिन पूजी जाती है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन भगवान कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। खास तौर पर किसान इस पूजा को करते हैं। इसके लिए घरों में खेत की शुद्ध मिट्टी अथवा गाय के गोबर से घर के द्वार पर, घर के आंगन अथवा खेत में गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं और उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सुबह जल्दी स्नान किया जाता है और घर की रसोई में ताजे पकवान बनाए जाते हैं। घर के आंगन में अथवा खेत में गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ में गाय, भैंस, खेत खलियान, बैल, खेत के औजार, दूध, दही एवं घी वाली चूल्हा आदि को गोबर अथवा मिट्टी से मनाया जाता है। इस पूजा के जरिए खेती से जुड़ी सभी चीजों एवं जलवायु प्राकृतिक साधनों की पूजा की जाती है। इसीलिए जितना संभव हो उतना बनाकर पूजा में शामिल किया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है और नैवेद्य चढ़ाया जाता है। कृष्ण भगवान की आरती की जाती है। इस दिन पूरा कुटुंब एक साथ भोजन करता है। कैसे मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? इस पूजा के दिन लोग गाय के गोबर से ये पर्वत बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। पूजा करने के अलावा लोग इस दिन 56 या 108 चीजों का भोग भी बनाते हैं और इस भोग को भगवान कृष्ण जी और गोवर्धन पर्वत को अर्पित करते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण जी को भोग लगाने से पहले उनका दूध से स्नान किया जाता है और उन्हें नए कपड़े भी पहनाए जाते हैं। इस दिन कई लोग मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के समीप स्थित गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। घर में पूजा से ज्यादा इस परिक्रमा का महत्व होता है। गोवर्धन पूजा प्रकृति एवं पशुओं के लिए हमारे प्रेम का पर्व है। तो आज हमने आपको बताया गोवर्धन पूजा, उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में, और आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।